अगस्त मिड हो चुका है, बारिश के दिनों में प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ शुरू हो गई है। ये प्लांट देखिए कितना टॉल हो गया है और झुक भी गया है। ये पूरा ये देखिए सारे टहनियाँ एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। एक ये ड्रेसिना की वैरायटी है, ये भी बहुत टॉल हो गई थी, इसकी तो मैंने कटिंग कर दी है और पहले भी की थी, और यहाँ से देखिए नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है। एक की जगह दो आ रहे, इससे ये प्लांट थोड़ा बुशी हो जाएगा। ये अरालिया का ब्यूटीफुल वेरिएटेड लीव्स वाला प्लांट है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये भी देखिए कैसे झुक गया है, अपने ही वजन से जम गया है और यहाँ से बेयर हो गया एकदम। तो इसको हम लोग प्रून कर देते हैं आज। अब हम लोग ये स्लांट कट दे देंगे शार्प प्रूनर से। ये देखिए ये पूरा कट गया है और अब ये टहनी हम लोग को मिल गई है, बहुत खूबसूरत। इसको हम लोग कुछ इसी में ही लगा देंगे। ये एक और टहनी है जो है तो खूबसूरत मगर ये एकदम झुक गई है, इसको भी हम लोग प्रून कर देंगे, सेम हाइट पे रखेंगे और वैसे ही स्लांट कट देंगे। ये भी कट गई है, अब बस इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों कटिंग्स लगा देंगे इसी गमले में। तो ये गमला भी थोड़ा बुशी और हैवी हो जाएगा। और आइए इसमें हम लोग लगा देते हैं अब कुछ फंगीसाइड। अब ये जो टहनियाँ हैं इनकी कटिंग तैयार करके स्लांट कट देके हम लोग लगाते हैं। ये कटिंग तैयार हो गई है, कुछ हम लोग ने रूटेक्स रूटिंग हार्मोन ले लिया है और इसमें हम लोग ने जहाँ से कटिंग की थी उसमें फंगीसाइड लगा दिया है। फंगीसाइड रेडीमेड मिल जाता है मार्केट में, वैसे अगर नहीं है आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हल्दी भी लगा सकते हैं ताकि यहाँ से फंगल अटैक ना हो रेनी सीजन में। अब ये जितनी भी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं ये सारी हम लोग ने हटा दी हैं और जो अच्छी अच्छी कटिंग है वो इसी गमले में चारों तरफ लगा देंगे ताकि ये प्लांट बुशी हो जाए। आइए देखते हैं कैसे हम लोग ने तैयार की है, सारी कटिंग तैयार है एकदम, और अच्छी थिक पेंसिल जितनी थिक है। ये है रूटिंग हार्मोन लगा हुआ और अब हम लोग इसको यहाँ लगा देते हैं। ये कटिंग हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा लगा दी है, अब इनमें हम लोग ने वाटरिंग कर देंगे थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब पानी डाल के इसको शेड में रख देंगे और डिस्टर्ब नहीं करेंगे जितनी कटिंग लगी है। बारिश के दिन है, बहुत जल्दी इनमें ग्रोथ दिखने लगेगी और ये कंटेनर भी बहुत खूबसूरत हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।